हेलो गाइस, मैं हूँ कार्तिक और अभी आप देख सकते हैं हम आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और देख सकते हैं पीछे आपको ये जंतर मंतर दिख रहा होगा जिसको आपने अभी तक वीडियो वगैरह में देखी होगी। तो मैंने भी ऐसे ही देखा था तो सोचा चलते हैं, जब मैं दिल्ली में हूँ तो आपको भी घुमा देते हैं जंतर मंतर। तो गाइस देख सकते हैं, आपने जंतर मंतर के बारे में अगर सुना होगा या कहीं पर फ़ोटो देखा होगा तो सबसे पहले जो आपको इमेज दिखी होगी वो इसी की दिखी होगी। कनॉट प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। यह राजा जयसिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक दे बॉयस के अनुसार राजा जयसिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। जंतर मंतर से करीब मेट्रो स्टेशन राजीव चौक और पटेल चौक हैं। राजीव चौक पर उतरकर गेट नंबर 6 से बाहर निकल जाएं और जंतर मंतर तक जाने के लिए कोई ऑटो पकड़ लें। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है। पटेल चौक उतरते हैं तो वहां से पैदल ही चलकर जा सकते हैं। हमने जंतर मंतर को जो है पूरा अच्छे से विजिट कर लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पालिका बाजार के साइड, तो उसका जो है शॉर्ट्स वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि मेरा फ़ोन जो है चार्ज ज़्यादा नहीं है। तो मैं आगे की वीडियो पालिका बाजार की और करोल बाग की ये सब बना नहीं पाऊँगा तो उसका मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा, तो आप शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा। और जितना हो सका मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी, अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस हमने देख सकते हैं पूरी तरीके से आपको दिखा दिया जंतर मंतर यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, इसकी हिस्ट्री के वगैरह के बारे में भी आपको बता दिया। तो अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ छूट गया मुझसे, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।